राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्चों का किया स्वास्थ्य परीक्षण। भवानी मंडी ब्लॉक के 3 आंगनवाड़ी केंद्रों पर राजकीय चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा वार्ड नंबर 16, 17 और 20 के आंगनवाड़ी केंद्रों पर जाकर वहां आने जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया, जिसमें कमजोर बच्चों को लेकर उनके स्वास्थ्य हेतु परिजनों को विशेष सलाह भी दी गई, जिसमें डॉक्टर वंदना शर्मा व डॉक्टर प्रमोद रावल ने जानकारी देते हुए बताया कि जो बच्चे मोबाइल की लत से पीड़ित हैं, उन बच्चों को बचाया जाना बेहद ज़रूरी है। छोटे बच्चे खाना खाते समय अक्सर मोबाइल देखकर ही खाना खाते हैं, जिससे उनकी आंखों संबंधित बीमारियों का होना तय है। इसके चलते सभी माता पिता को बच्चों की इस लत से बचाने का प्रयास करना चाहिए। इस जाँच कैंप के तहत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यकर्ता, सहायिकाएँ व आशा यशोगिनियां मौजूद रही। भवानी मंडी से बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तवर की ये खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर प्रमोद रावल, हम लोग राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से झालरापाटन ब्लॉक से आए। चूंकि भवानी मंडी अभी नया ब्लॉक बना है, तो यहाँ टीम आनी पाई है। पूरे राजस्थान में प्रत्येक ब्लॉक में दो दो टीमें सरकार के द्वारा इस विशेष कार्य के लिए लगाई गई है। वो सरकारी विद्यालय और प्रत्येक जो आंगनबाड़ी केंद्र है उन पर जो पंजीकृत बच्चे हैं, वहाँ ऐसे बच्चे जो जटिल रोगों से ग्रस्त हैं, जिन लोगों को इलाज की आवश्यकता है, ऐसे बच्चों को हम लोग चिन्हित करके और आगे इलाज के लिए भेजवाते हैं। राजस्थान सरकार और भारत सरकार है, भारत सरकार का प्रोजेक्ट, राजस्थान सरकार के जो चिन्हित अस्पताल हैं जिनमें प्राइवेट और सरकारी दोनों हैं, उन अच्छे से अच्छे सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में उन बच्चों का इलाज। तो ये जो आपका कार्यक्रम है, ये क्या मंथली चलता है कि किस हिसाब से? नहीं, ये पर डे चलता है। प्रतिदिन हम लोगों को स्कूल और आंगनबाड़ी की, अभी अप्रैल, मई और जून की जो 3 महीने, इन 3 महीनों में चूंकि सरकार ऐसा मानती है कि स्कूल बंद हो जाते हैं जी, तो आंगनबाड़ी जो है उन पे हम लोगों को बच्चों का चिन्हीकरण करके उन लोगों का इलाज करवाना रहता है। और जुलाई से लेके और मार्च, 31 मार्च तक जी, हम लोग स्कूल और आंगनबाड़ी दोनों का विजिट, साल में 2 बार आंगनबाड़ी और 1 बार स्कूल। थैंक यू।